हमारे साथ में जो हुआ है कोई सेवा नहीं, किसी से भी नहीं हुआ, और जो जो हुआ है उसके परिणाम अगर चर्चा नहीं आया, संतरे का परिणाम अच्छा नहीं, लोकेश का परिणाम अच्छा नहीं, और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था अगर समाजवादी से काम ले लिया होता तो आपके मन की बात हो जाए। लेकिन ये हम कहेंगे नेताओं को, बड़े नेताओं को जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात जो है दी, उन्हें समझदारी से काम करना। समाज के लोगों में जो समाज के अच्छे लोगों में जिनका प्रभाव है मदद करते हैं, जनता जनता में पॉपुलर है, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने वालों को अलग नहीं मजबूत करना चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। शिवपाल जी, एक नाम और सामने आ रहा है कि आपकी एक बहू अपर्णा यादव है, उनको भाजपा मैदान में उतार सकती है मैनपुरी से, तो क्या बहू का समर्थन करेंगे आप? अब ये सब भाजपा वालों को फोटो हमारी पार्टी अलग है। नहीं, मैं अपर्णा यादव की बात कर रहा हूँ, आपकी बहू। देखिए, हमारी पार्टी अलग है, प्रगति समाजवादी का, तो बहू का विरोध करेंगे? हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, मैं करते नेशनल एम ताजी फैसला। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहू की बात कर रहा हूँ, क्या बहू का विरोध करेंगे? इन बातों से हमारे सामने देश और प्रदेश है।